Assalamualaikum friends, my name is Mohammed Haris and you are watching Haris Tech. आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा HP का एक प्रिंटर जो कि एक नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालता है. इस प्रिंटर का नाम है लेजर जेट प्रो M102A और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये हैं कि ये एट अ टाइम 250 शीट्स इसके अंदर लोड हो सकती हैं, यानी कि पेजेस. और जो इसकी वन टाइम अगर आप इसका टोनर फुल करते हैं तो ये 700 पेजेस प्रिंट कर सकते हैं. ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्मॉल सा प्रिंटर है जो कि आप अपने डेली यूज़ के लिए या अपने होम में रख सकते हैं. इसका जो मॉडल है वो लेजर जेट प्रो M102A है और ये मेड इन चाइना में है मेरे ख्याल से. यहाँ पर इसका एक वारंटी कार्ड हमें देखने को मिलता है जो कि इसके अंदर वारंटी कार्ड है जिसके ऊपर इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है. और इसकी जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं 15,500 है, लेकिन 500 to 1,000 डिस्काउंट होकर इसकी जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से ये जो मुझे प्रिंटर मिला है ये 14,800 का है. ये मैंने लाहौर से बाई किया है. और इसके अगर साइड में देखें तो यहाँ पे इसका सारे सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं. दूसरी साइड में देखें तो यहाँ पर भी वही प्रिंटर के बारे में लिखा गया है. इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं. इसके अंदर आप 1GB HD और इंटरनेट USB से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके ये आपका जो लैपटॉप है वो 10 विंडोज़ के अंदर हो, विंडो 10 हो, विंडो 8.1 हो, विंडो 8 हो, या 7 और 32 बिट का हो, या 64 बिट का हो, कोई भी हो, वो इसमें इससे प्रिंट निकल सकता है. तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं. और इसको हम अनबॉक्स करते हैं. और इसको खोलने के बाद हमको जो सबसे पहले एक चीज़ मिलती है वो एक ये CD मिलती है. आप देख सकते हैं ये इसके अंदर CD के अंदर इसके ड्राइवर्स हैं, और सिर्फ इसी के नहीं बल्कि ये HP लेजर जेट प्रो 101 से लेके 1010A तक के जितने भी सीरीज के प्रिंटर हैं उन सब के इसी के अंदर हैं ड्राइवर. और आप CD से भी ड्राइव कर सकते हैं और ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर आपके लैपटॉप के अंदर CD ROM नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से भी कर सकते हैं. यहाँ पर ये देखें, इन्होंने कुछ यूज़र मैनुअल दिया है जो कि मेरे ख्याल से चाइनीज़ लैंग्वेज में है. और ये भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, ये भी HP के यूज़र मैनुअल है. और ये वारंटी कार्ड है, ये किसी और लैंग्वेज में मेरे ख्याल से. और यहाँ पर एक आपको एक मैनुअल देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप. ये सारा मैनुअल है जिस मैनुअल के अंदर आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है. बाद में हम देखें तो यहाँ पे हमें एक केबल देखने को मिलती है जो कि एक पावर केबल है. आप इसको देख सकते हैं कि ये थोड़ी इसके जो पिन हैं थोड़े इसमें फासला ज़्यादा है, मतलब कि ये बड़े स्विच में लगती है. और इसके साथ हमें एक पावर ये हमें एक USB केबल देखने को मिलती है जो कि आप अपने लैपटॉप के साथ ये वाली USB कनेक्ट करेंगे, दूसरी यहाँ पे प्रिंटर के साथ होगी जिससे प्रिंट निकलेगा. और नीचे एक और केबल है जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक पावर केबल है. और इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़े जो से पतले हैं, तो ये आसानी से अगर आप में से इन दोनों पावर केबल में से अगर कोई भी पावर केबल आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं. दो पावर केबल हैं और एक ये USB प्रिंटर केबल है. अब इसको मैं प्रिंटर को बाहर निकालता हूं और फिर इसके बारे में हम लोग फुल इसका रिव्यू करते हैं. तो ये जो है प्रिंटर का फ्रंट साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक पावर बटन देखने को मिलता है
इसके ऊपर यहाँ पर आपका जो प्रिंट है वो बाहर आएगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक बटन जो कि ऊपर एक एलईडी लाइट है जो कि एमरजेंसी में अगर पेजेस नहीं है तो तब ब्लिंक करेगी, और ये जो नीचे लाइट है ये रेडी जब प्रिंटर रेडी होगा प्रिंट के लिए तब ये ऑन होगी, और नीचे एक आपको एक बटन है जिसका प्रेस करेंगे तो आपका जो टेस्ट प्रिंट है वो बाहर निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ जो न्यू प्रिंटर होते हैं जब आप फर्स्ट टाइम उनको ऑन करते हैं उनमें से एक वॉस आती है जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये प्रिंटर है और ये प्रिंटर के अंदर एच पी का लेजर इमेजिंग ड्रॉप इमेज ड्रॉप में जो कि 90A का इमेज ड्रॉप में ये भी निकल सकता है, और नीचे एक 17A का लेजर जेट का ये टोनर है जो भी ऐसे आप प्रेस करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। मेक श्योर कि ये जब आप वापस लगाएं तो ये हिले मत, और यहाँ पे देख सकते हैं एक लेजर जेट का ये इमेज ड्रम है, आप पहले इसको निकालेंगे तो फिर ये आपको निकलेगा जब वापस इंक ख़त्म हो जाए। यहाँ पे एक कुछ ये एक होता है जिसको आपको एक दफ़ा ऐसे करना पड़ता है नीचे, और एक दफ़ा इसको ज़ोर से ऊपर करना पड़ता है। यहाँ पे भी इस साइड में सेम ही है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसको आराम से बंद कर सकते हैं, बंद कर दें, और ये आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है जिससे कि आपके पेजेस जो थे नीचे नहीं गिरेंगे, और इसके जो यहाँ पे आपको पेजेस इंस्टॉल कर इंसर्ट आपने यहाँ पर करने हैं 250 शीट्स जो होती हैं वो इंसर्ट हो सकती हैं। और इसके साथ मैं आपको पहले सारा इसके बता देता हूँ कि आपकी यहाँ पे केबल वगैरह कहाँ पर लगेगी, उसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ फिट होनी है। तो अगर केबल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं पीछे यहाँ पर इसकी जो सी है वो केबल लगनी है पावर, और यहाँ पर इसकी यूएसबी की केबल लगनी है। ये एक चीज़ यहाँ पर लगनी थी जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पर नीचे अपने रिंग पेजेस डालने हैं, उसके बाद आपने इस प्रिंटर को ऑन करना है। तो मैंने इसके केबल्स कनेक्ट कर दी हैं, पावर केबल भी मैंने लगा दिया और इसके प्रिंटिंग वाली केबल भी लगा दी है। हम लोग इसका बटन जो है वो ऑन करते हैं, देखें यहाँ पर इसकी लाइट ऑन हो गई है और ये अपने आप एक दफ़ा ऑन होगा। इसमें टेस्ट प्रिंट होता है, इसमें मैंने प्रोडक्ट का नेम भी बताया हुआ है और बाकी सब इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी दी गई है। आज की वीडियो में बस इतना काफ़ी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।